हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। ओके, तो आज जो है हम उसका ही आगे का जो पार्ट है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में और जो फॉर्मूले है वो आपको आज हम समझाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहां पे हम सिंपल ऐसे फिजिक्स की क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। ओके, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अब हमें पता है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है सर्किट की, विच अपोजेज द चेंज इन करंट। विच अपोजेज द चेंज इन करंट, जो करंट में जो चेंज होता है, दैट इज ग्रोथ और डीके ऑफ करंट, उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस का जैसा डिवाइस रेजिस्टर है, वैसा ही इंडक्टेंस का भी डिवाइस होगा, सर्किट डिवाइस विच ओबे द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टेंस, उसको डिवाइस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द इंडक्टर, दैट इज द इंडक्टर। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। और इंडक्टर का जो सिंबल है, इंडक्टर को, और इसको हम चोक कहते हैं, चोक, इंडक्टर और चोक, ये सर्किट डिवाइस है जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या करता है, ओबे करता है। ओके, यानी इट इज अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट, इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट। ओके, तो इसका जो सिंबल रहेगा वो सिंबल कैसा रहेगा, इट इज नथिंग बट द कॉइल, कॉइल जैसा रहेगा। ओके, रेजिस्टर का सिंबल कैसा है, रेजिस्टर आपको पता है, रेजिस्टर ये हो गया रेजिस्टर आर, और ये हो गया हमारा इंडक्टर, ये क्या हो गया इंडक्टर, और इंडक्टर का जो सिंबल है वो है यल, इंडक्टर का सिंबल क्या है, यल है। ओके, अब किसी ने आपको अगर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड इंडक्टर, अगर किसी ने अगर आपको अगर कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड इंडक्टर, तो उसका जवाब क्या होगा, क्या रीजन होगा उसका, दैट इज द रेजिस्टर अपोजेज द डायरेक्ट करंट, दैट इज इट इज अपोजेज द डायरेक्ट करंट, यानी यहां पे अगर ये हो गया रेजिस्टर, ओके, ये पॉइंट हो गया ये और ये पॉइंट हो गया बी, यहां से अगर हमने करंट अगर पास अगर किया तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज इक्वल टू आई आर, आर यानी रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू आई आर, यानी रेजिस्टर क्या करता है, इट अपोजेज द करंट, इट इज नॉट अपोजेज द चेंज इन करंट, लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा है, इट अपोजेज द करंट चेंज, यानी जो चेंज करंट में जो चेंजेस होता है, ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट, उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, दैट इज इंडक्टर अपोजेज द चेंज इन करंट। ओके, उसके बाद अगर अब इंडक्टर से अगर हमने डायरेक्ट करंट अगर पास अगर किया तो क्या होगा, ये इंडक्टर है, ओके, ये इंडक्टर से अगर हमने डायरेक्ट करंट अगर पास अगर किया तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट हम पास कर रहे हैं, इंडक्टर से हम डायरेक्ट करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट हो गया ये और ये पॉइंट हो गया बी, ओके, इंडक्टर से डायरेक्ट करंट अगर पास अगर किया तो जो डीआई बाय डीटी जो होगा, डीआई बाय डीटी जो होगा वो डीआई बाय डीटी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, डायरेक्ट करंट यानी कॉन्स्टेंट करंट, कॉन्स्टेंट करंट अगर हमने पास अगर किया तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, डीआई बाय डीटी That is equal to zero, और जो EMF जो है EMF that is equal to minus L di by dt, minus L di by dt, magnitude में इसका क्या होगा, L di by dt, magnitude में इसका क्या होगा, L di by dt, that is equal to zero, that is equal to zero means induce EMF जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इंड्यूस ईएमएफ जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, व्हेन द करंट डायरेक्ट और कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर देन ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, मींस इंडक्टर इज ओनली अपोजेज द
चेंज इन करंट, इंडक्टर इज ओनली अपोजिट द चेंज इन करंट। सेकंड, हमने कहा था अगर हम करंट को अगर इंक्रीज अगर करते हैं तो ईएमएफ इट इज अपोजिट टू द ओरिजिनल करंट, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये होगा इंडक्टर, ये क्या होगा, इंडक्टर हो गया है। ओके, तो इंडक्टर से ये सिंबल यहां पे लेते हैं, ये सिंबल यहां पे लेते हैं। अब हम करंट इंक्रीज करेंगे, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग अगर किया, आई इंक्रीजिंग ये है और ये बी है। ओके, आई इंक्रीजिंग अगर किया तो क्या होगा, आई इंक्रीजिंग यानी डी आई बाय डी टी जो रहेगा, डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, सो यल डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, यल डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, यल डी आई बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये जो क्वांटिटी आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, ये क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, दैट मीन्स द ईएमएफ क्या होगा, इट इज डायरेक्टेड अपोजिट, इट इज डायरेक्टेड अपोजिट, मीन्स ये ईएमएफ क्या करता है, दैट इज इट अपोजेस द, इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ द करंट इंक्रीजिंग, यानी हम ग्रोथ कर रहे हैं करंट की, क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये ईएमएफ क्या करता है, इट This EMF slows down the growth of current. This EMF slows down the growth of current. It is directed opposite to, कैसे करेगा, कैसे करेगा, because it is directed opposite to that of the current. So ये क्या करेगा, growth of current को क्या करेगा, slow करेगा। Okay, तो ये हो गया increasing का। अब अगर हमने decreasing अगर किया, decreasing ये और B, okay, डिक्रीजिंग अगर किया, डिक्रीजिंग अगर किया, आई डिक्रीजिंग अगर किया तो ये क्या होगा, आप दैट इज डी आई बाय डी टी इज लेस देन जीरो, सो यल डी आई बाय डी टी इज लेस देन जीरो, यल डी आई बाय डी टी इज लेस देन जीरो, यानी ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी क्या होगा, वेन आई डिक्रीजिंग देन ईएमएफ इज डायरेक्टेड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, ईएमएफ इज डायरेक्टेड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट मीन्स ये जो होगा ये कंडीशन में क्या करेगा, ये कंडीशन में क्या करेगा, दैट इज इट अपोजेस द, इट अपोजेस द डीके ऑफ करंट, इट स्लोज डाउन द डीके ऑफ करंट, ये कंडीशन में इट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ करंट, और ये कंडीशन में इट अपोजेस द डीके ऑफ करंट, दैट इज इट स्लोज डाउन द डीके ऑफ करंट, इट स्लोज डाउन द डीके ऑफ करंट, कैसे, एज इट इज डायरेक्टेड टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, एज इट इज डायरेक्टेड टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। अरे इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये जो है इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट मीन्स सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट अपोजेस दी, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट अपोजेस दी करंट आई, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट अपोजेस दी करंट आई, इट्स सेल्फ रादर इट अपोजेस दी चेंज इन करंट, इट अपोजेस दी चेंज इन करंट, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कंक्लूजन है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट अपोजेस दी करंट आई, इट सेल्फ रादर इट अपोजेस दी चेंज इन करंट, इट अपोजेस दी चेंज इन करंट, और इसी रीजन के वजह से, यही एक रीजन है जो सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टीज है सेल्फ इंडक्टेंस की, यही
रीजन की वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन करंट, और यही रीजन की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द, इज कॉल्ड द, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दैट मीन्स द सेम रोल क्या कर रहा है इंडक्टेंस, क्या करता है ओबे करता है, जो रोल इनर्शिया ने क्या, जो रोल मास ने क्या किया, इनर्शिया ने क्या किया है मैकेनिक्स में किया है, दैट इज इट इज द सेम रोल, ओबे इज एनालॉगस टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स, इनर्शिया इन मैकेनिक, सो द सेल्फ इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्फ इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर है व्हाई द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज इट अपोजेस द, इट अपोजेस द चेंज इन करंट, दैट मीन्स इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, इट स्लोज डाउन ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, और कैसे स्लोज डाउन करता है, कैसा डीके और ग्रोथ करता है, ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल था डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ओके, तो इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल था, और उसके बाद जो सेल्फ इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद हम लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, ओके, हमें जनरल फॉर्मूला पता है यल का, और हमने कल ही उसको अपना, हमने पिछले वीडियो में उसको फॉर्म किया था, डिराइव किया था, सेल्फ ऑफ सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है डियर स्टूडेंट, सोलेनाइड इट इज द लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, इट इज द लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर है, और उसपे क्या होता है वायर बाउंडिंग ऑन दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर, वायर बाउंडिंग ऑन दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर, ऐसा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ओके, ऐसा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, और इस पर से, इस पर से ये जो है वायर वाउंडिंग ऑन द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो है इससे करंट पास होगा, और इससे ओके, तो ये जो है ये हो गई सिलेंडर की एक्सिस, ओके, तो यहां पे यल इज द लेंथ, यल जो है वो है लेंथ है, उसके बाद हम ऐसा अज्यूम करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इनसाइड द सोलेनाइड, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म, और वो जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, इट इज गिवन बाय म्यू जीरो एन आई, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, देयर दिस एन, दिस एन, दिस एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल एन, दैट इज इक्वल टू एन बाय एल, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये जो बी है इनसाइड द सोलेनाइड, बी दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इट इज, हम अजम्पशन लेते हैं इट इज अ जीरो, इट इज अ जीरो, ओके, तो यहां पे जो इंडक्टेंस का जो जनरल जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू यल, दैट इज इक्वल टू यन हाई बी आई, दैट इज यल, दैट इज इक्वल टू यन फाई बी आई, यन फाई बी आई, ओके, अब फाई बी की जो वैल्यू रहेगी, फाई बी, फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए, फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए, बी की वैल्यू हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है,
तो बी हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो यन आई, म्यू जीरो यन आई इंटू ए, म्यू जीरो यन आई इंटू ए, म्यू जीरो यन आई इंटू ए। अब ये अगर वैल्यू हमने यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट की और यन जो है यन की वैल्यू यहां से हम यन इंटू यल अगर लिया और वो वैल्यू अगर हमने ये फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज यहां का ये यन, यन की वैल्यू हम यन इंटू यल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये होगा यन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दैट इज यल इक्वल टू म्यू जीरो यन स्क्वायर, म्यू जीरो यन स्क्वायर यल आई ये अपॉन आई, आई आई कैंसिल हो जाएगा यानी यहां पे से क्या रहेगा, ये रहेगा दैट इज ये म्यू जीरो यन स्क्वायर यल ये, म्यू जीरो यन स्क्वायर यल ये। ओके, तो ये हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड, ये क्या हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड। ओके, अब इसको अगर हमने सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर किया तो ये जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज म्यू जीरो यन स्क्वायर ये, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये, दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू जीरो यन स्क्वायर ये, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये। अगर इसको अगर हमने डायमीटर की इसमें अगर लिखना है तो ये हम कैसे लिखेंगे, म्यू जीरो यन स्क्वायर, म्यू जीरो यन स्क्वायर और यहां पे आएगा पाई डी स्क्वायर बाय फोर, यहां पे क्या आएगा पाई डी स्क्वायर बाय फोर, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है डियर स्टूडेंट। सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू जीरो यन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय फोर, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, ये डिफरेंट ऐसे फॉर्मूले है। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एन में अगर कन्वर्ट अगर करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड दैट इज अ म्यू जीरो, दैट इज अ म्यू जीरो। अब उसको अगर हमें कैपिटल एन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हमने यन स्क्वायर अगर किया तो यहां पे हमें यन स्क्वायर यल स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब यहां पे अगर यल स्क्वायर अगर करना है तो हमें एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा यानी यल को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड करना पड़ेगा यानी यहां हमें क्या मिलेगा, देखिए म्यू जीरो यन स्क्वायर यल स्क्वायर ये अपॉन यल, म्यू जीरो यन स्क्वायर यल स्क्वायर ये अपॉन यल। ओके, अब यन स्क्वायर यल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल यन है दैट इज म्यू जीरो यन स्क्वायर ये अपॉन यल, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये अपॉन यल, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये अपॉन यल। तो ये हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, ये क्या हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। और सेल्फ इंडक्टेंस को हमने व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कैसा वो भी एक्सप्लेनेशन दिया है और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड का भी हमने फॉर्मूला निकाला है और वही फॉर्मूला दैट इज म्यू जीरो यन स्क्वायर, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये अपॉन यल, म्यू जीरो यन स्क्वायर ये अपॉन यल। अगर इसको अगर हमें रिलेटिव परमेबिलिटी में अगर करना है तो ये कैसा होगा, फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज म्यू जीरो म्यू आर यन स्क्वायर ये बाय यल, म्यू जीरो म्यू आर यन स्क्वायर ये बाय यल। ओके, लेकिन ये जो है म्यू जीरो म्यू आर ये क्या है, दैट इज इट इज ऑल्सो रिटर्न एज म्यू
यम स्क्वायर ए बायर म्यू यम स्क्वायर ए बायर, और ये जो म्यू है ये म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू जीरो इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ऐसे ये फॉर्मूले है डियर स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले है ये। और ये जो वीडियो है वो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, बोर्ड के एग्जाम का आर्टिकल हमने इसमें इंक्लूड किया है और जो उससे भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी हमने एक्सप्लेनेशन किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए है। वायर सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक इनर्शिया, उसके लिए हमने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया। रेजिस्टर और इंडक्टर का क्या डिफरेंस है वो भी हमने आपको समझा है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।